सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित पावर ग्रिड उपकेंद्र में 31 अक्टूबर से आगामी 6 नवंबर तक भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत की थीम पर सतर्कता सह जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पावर ग्रिड कर्मचारियों के द्वारा सतर्कता सह जागरूकता सप्ताह के अवसर पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिहार शरीफ उपकेंद्र से कारगिल चौक तक पदयात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ उप महाप्रबंधक नीरज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। इसके साथ पावर ग्रिड कैंपस में स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में बच्चों के बीच भ्रष्टाचार विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वाद विवाद प्रतियोगिता का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसमें नालंदा जिले के 7 प्रतिष्ठित स्कूल के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में विजेता टीम को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर उत्साहित किया गया। इस प्रतियोगिता में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिले के जाने माने प्रतिष्ठित डॉक्टर फैसल अरशद के अलावे आरपीएस स्कूल के निदेशक अरविंद कुमार सिंह, प्रिंसिपल मोहम्मद अफाक, सीता सदन मेमोरियल स्कूल के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार, सदर आलम मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल रूबीना निषाद, रोजेमरी लैंड स्कूल की प्रिंसिपल नाजिरा पायकर मौजूद रहे, जबकि निर्णायक मंडल के रूप में नालंदा कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर आरपी कच्छवे, नव नालंदा महाविहार के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य एवं डॉक्टर एलके झा मौजूद रहे। मौके पर पावर ग्रिड के उप महाप्रबंधक नीरज कुमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने जीवन में भ्रष्टाचार की छाया को पनपने नहीं दें, जिससे आपका, आपके परिवार का और देश का सर्वांगीण विकास होगा। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।